नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवी एंड डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शालाक्य तंत्र इन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एट ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज के सेशन में हम शालाक्य तंत्र में उपयोग किए जाने वाले थेरेप्यूटिक प्रोसीजर मुखालेप का वर्णन करेंगे। सबसे पहले आती है मुखालेप की परिभाषा। मुख पर चारों ओर से औषधि का लेप करने को मुखलेप कहते हैं। आलेपस्य च नामानि लिप्तो लेपश्च लेपनम्, अर्थात आलेप शब्द के लिए लिप्त लेपन और लेप पर्याय है। फिर मुखलेप के भेद बताए हैं। कर्म भेद से सारंगधर उत्तरखंड 11वें अध्याय के पहले सूत्र में दोषग्नो विषावर्ण्यो मुखलेपस त्रिधा मता, अर्थात कर्म के आधार पर मुखलेप के तीन भेद होते हैं, दोषग्न, विषग्न और वर्ण्य। जो दोषग्न लेप होता है वो वात आदि दोष प्रकोप जन्य शोत आदि रोगों में दोषग्न लेप किया जाता है, और जैसे कि वात और कफ में उष्ण लेप, पित्त विष व्रण के लिए अति शीतल लेप। इसके बाद आए हैं विषग्न लेप। विविध विषों के स्पर्श से उत्पन्न शोत आदि विकारों में विषग्न लेप प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद है वर्ण्य लेप। त्वचा के व्यंग, चर्मकील आदि शुद्ध रोगों में वर्ण्य लेप का प्रयोग किया जाता है। फिर प्रमाण भेद से मुखलेप तीन प्रकार का होता है, त्रिप्रमाणश्च, चतुर्भाग, त्रिभाग, अर्धंगुल उन्नत। यह श्लोक शारंगधर उत्तरखंड अध्याय 11 में आया है, दूसरा सूत्र है। चतुर्भाग अंगुल उन्नत यानी रोगी की उंगली की एक चौथाई मोटाई प्रमाण का होता है। त्रिभाग अंगुल उन्नत रोगी की उंगली की एक तिखाई मोटाई प्रमाण का होता है, और अर्धअंगुल उन्नत रोगी की उंगली की आधी मोटाई प्रमाण का होता है। फिर मुखलेप के अन्य भेद हैं, जैसे आदर लेप, शुष्क लेप और प्रलेप, प्रधेय। जो आदर लेप होता है वो व्याधि का नाश करता है, तथा जो शुष्क लेप होता है वो कांति नाशक होता है। इसके बाद मुखलेप के अयोग्य व्यक्ति बताए हैं कौन कौन होते हैं। पीनस रोग से पीड़ित रोगी, अजीर्ण में मुखलेप नहीं करना चाहिए, नेस्य देने पर मुखलेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हनुग्रह में मुखलेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अरुचि में मुखलेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रात्रि जागरण किए हुए रोगी में मुखलेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद मुखलेप की विधि बताई है। तो लेप का प्रयोग त्वचा पर नीचे से ऊपर की ओर यानी रोम अभिमुख करना चाहिए। रोम अभिमुख लेपन करने से जो औषधि होती है वो औषधि का जो सार होता है वो रोम छिद्रों द्वारा त्वचा के अंदर प्रवेश कर शीघ्र ही अपने प्रभाव से कार्य करने लगता है। इसके पश्चात मुखलेप के पश्चात कर्म का वर्णन मिलता है। मुखलेप को शुष्क होने से पूर्व ही उतार लेना चाहिए, अर्थात मुखलेप को आर्द्रावस्था में उतार लेना चाहिए। मुखलेप शुष्क हो जाने पर आलेप को पुनः जल से आर्द्र करके उतार लेना चाहिए। तत्पश्चात मुख पर अभ्यंग करना चाहिए। इसके बाद मुखालेप करने पर क्या क्या वर्ज्य क्रियाएं हैं वो बताई गई हैं। विवर्ज्य, दिवा, स्वप्न, भाष्य, अग्नि, आतप, शुक, क्रुध। यह श्लोक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 22 में आया है, 17वां सूत्र है। इसका अर्थ है मुख पर लेप करके दिवा स्वप्न अधिक बोलना, अग्नि का ताप लेना, आतप सेवन करना, चिंता, शोक, रोना, क्रोध करना आदि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। फिर ऋतु अनुसार लेप बताए हैं। हेमंत ऋतु में बेर की गुठली, वासामूल, शावर, लोद्र, गोड़ सरसप का लेप करना चाहिए। शिशिर ऋतु में कंटकारी मूल, काले तिल, दारुहरिद्रात्वक, निष्तु शिव का लेप करना चाहिए। वसंत ऋतु में दर्मूल, चंदन, उशीर, शीरीष, सौंफ, चावल, कर्ण का लेप करना चाहिए।
ग्रीष्म ऋतु में कुमुद, उत्पल, कलहार, दूर्वा, यष्टि मधु, चंदन का लेप करना चाहिए। वर्षा ऋतु में काल्य, तिल, उशीर, जटामासी, तगर एवं पद्माक का लेप करना चाहिए। शरद ऋतु में तालिश, इत्कट, पुंडरीक, यष्टि मधु, काश, तगर एवं अगरू का लेप करना चाहिए। फिर बताएं कि मुखालेप करने से क्या लाभ होते हैं। इसमें श्लोक आया है, सम्यक प्रयुक्तश्च काल वलि पलित तिमिर व्यंग तिलकादीन प्रशाम्यते। यह श्लोक अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 31 के 15वें सूत्र में है। सम्यक रूप से प्रयुक्त मुखलेप अकाल वलि पलित पालित्य तिमिर रोग व्यंग तिल तिलक आदि रोगों को नष्ट करता है। अगला श्लोक है, मुख लेपन शीलानाम दृढ़म भवति दर्शनम वदनम च परिम्लानम श्लक्षणम। ताम रसोपम। यह श्लोक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 22 के 22वें सूत्र में है। नित्य मुखालेप प्रयोग करने से दृष्टि का बल बढ़ता है, मुख खिला हुआ रहता है, मुख कोमल एवं कमल सादृश्य आभा वाला हो जाता है। फिर इस आगे लेप और प्रधेय में क्या अंतर है वो बताया है। लेप की मोटाई माहिष चर्म के बराबर होती है, प्रधेय की मोटाई माहिष चर्म के बराबर होती है, लेकिन उनके गुणों में क्या अंतर है। जो लेप होता है उसका गुण शीतल, तनु और विशोषी होता है, जबकि प्रधेय आर्द्र और घन होता है। लेप में दोष कर्म है पित्तनाशक और प्रधेय कफवात शामक होता है। लेप का प्रयोग काल प्राय दिन में प्रयोज्य होता है, प्रधेय दिन और रात्रि दोनों में प्रयोज्य होता है। फिर कब तक धारण करना चाहिए इसके बारे में बताया कि लेप को सूखने से पूर्व ही उतार देना चाहिए, जबकि प्रधेय को सूखने के बाद उतारना चाहिए। फिर आते हैं कौन कौन से लेप हैं जो हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुख व्यंग नाशक लेप है, रक्तचंदन, मंजिष्ठा, लौद्र, कुष्ठ, प्रियंगु, वटांकुर व मसूर की दाल को जल में पीस कर लेप करने से मुख व्यंग नष्ट होता है, मुख की कांति बढ़ती है। यह श्लोक शारंगधर उत्तरखंड में आया है। फिर है अर्जुन त्वक अथवा मंजिष्ठा चूर्ण अथवा श्वेत अश्व के खुर की भस्म में मधु या मक्खन मिलाकर लेप करने से व्यंग रोग नष्ट होता है। इसके बाद बताया मुख कांति कर लेप, जिसका वर्णन शारंगधर उत्तरखंड में आया है। बिजोरा नींबू की मूल, घृत, मनेशिला को गाय के गोबर के रस में पीस कर लेप करने से मुख की कांति बढ़ती है एवं पिटिका तथा व्यंग में लाभ होता है। इसके पश्चात युवान पीड़िका नाशक लेप बताए हैं तीन। पहला है लोद्र धनिया वचा को जल में पीस कर लेप करने से युवान पीड़िका रोग नष्ट हो जाता है। दूसरा है कृष्ण मरीच एवं गुरोचन का लेप युवान पीड़िका नष्ट कर मुख की कांति बढ़ाता है। तीसरा है श्वेत शरशप वचा लोद्र एवं सैंधव को जल में पीस कर लेप करने से युवान पीढ़ी का रोग नष्ट होता है। चौथा है वट वृक्ष के पीले पत्र, जाति पत्र, रक्तचंदन, कुष्ठ, कालिया के एवं लोद्र को जल के साथ पीस कर मुखालेप करने से युवान पीढ़ी का व्यंग और नीले का रोग नष्ट होता है। भाष्य अग्नि आतप शुक क्रुध। यह श्लोक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 22 में आया है, 17वां सूत्र है। इसका अर्थ है मुख पर लेप करके द्विवा स्वप्न, अधिक बोलना, अग्नि का ताप लेना, आतप सेवन करना, चिंता, शोक, रोना, क्रोध करना आदि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। फिर ऋतु अनुसार लेप बताए हैं। हेमंत ऋतु में बेर की गुठली, वासामूल, श्रावर, लोद्र, गोड़ सरसप का लेप करना चाहिए। शिशिर ऋतु में कंटकारी मूल, काले तिल, दारुहरिद्रा त्वक, निस्तु शिव का लेप करना चाहिए। वसंत ऋतु में दर्भ मूल, चंदन, उशीर, शिरीष, सौंफ, चावल, कर्ण का लेप करना चाहिए।
ग्रीष्म ऋतु में कुमुद, उत्पल, कलहार, दूर्वा, यष्टिमधु, चंदन का लेप करना चाहिए। वर्षा ऋतु में काल्य, तिल, उशीर, जटामासी, तगर एवं पद्माक का लेप करना चाहिए। शरद ऋतु में तालिश, इत्कट, पुंडरीक, यष्टिमधु, काश, तगर एवं अगरू का लेप करना चाहिए। फिर बताएं कि मुखालेप करने से क्या लाभ होते हैं। इसमें श्लोक आया है, सम्यक प्रयुक्तश्च काल वलि पलि तिमिर व्यंग तिलकादीन प्रशाम्यति। यह श्लोक अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 31 के 15वें सूत्र में है। सम्यक रूप से प्रयुक्त मुखलेप अकाल वलि पलत पालित्य तिमिर रोग व्यंग तिल तिलक आदि रोगों को नष्ट करता है। अगला श्लोक है, मुखलेपन शीलानाम दृढ़ भवति दर्शनम वदनम च परिम्लानम श्लक्षणम। ताम रसोपम। यह श्लोक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 22 के 22वें सूत्र में है। नित्य मुखालेप प्रयोग करने से दृष्टि का बल बढ़ता है, मुख खिला हुआ रहता है, मुख कोमल एवं कमल सादृश्य आभा वाला हो जाता है। फिर इस आगे लेप और प्रधेय में क्या अंतर है वो बताया है। लेप की मोटाई माहिष चर्म के बराबर होती है, प्रधेय की मोटाई माहिष चर्म के बराबर होती है, लेकिन उनके गुणों में क्या अंतर है। जो लेप होता है उसका गुण शीतल, तनु और विशोषी होता है, जबकि प्रधेय आर्द्र और घन होता है। लेप में दोष कर्म है पित्तनाशक और प्रधेय कफवातनाशामक होता है। लेप का प्रयोग काल प्राय दिन में प्रयोज्य होता है, प्रधेय दिन और रात्रि दोनों में प्रयोज्य होता है। फिर कब तक धारण करना चाहिए इसके बारे में बताया कि लेप को सूखने से पूर्व ही उतार देना चाहिए, जबकि प्रधेय को सूखने के बाद उतारना चाहिए। फिर आते हैं कौन कौन से लेप हैं जो हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुख व्यंग नाशक लेप है, रक्तचंदन, मंजिष्ठा, लौद्र, कुष्ठ, प्रियंगु, वटांकुर व मसूर की दाल को जल में पीस कर लेप करने से मुख व्यंग नष्ट होता है, मुख की कांति बढ़ती है। यह श्लोक शारंगधर उत्तरखंड में आया है। फिर है अर्जुन त्वक अथवा मंजिष्ठा चूर्ण अथवा श्वेत अश्व के खुर की भस्म में मधु या मक्खन मिलाकर लेप करने से व्यंग रोग नष्ट होता है। इसके बाद बताया मुख कांति कर लेप, जिसका वर्णन शारंगधर उत्तरखंड में आया है। बिजोरा नींबू की मूल, घृत, मनेशिला को गाय के गोबर के रस में पीस कर लेप करने से मुख की कांति बढ़ती है एवं पिटिका तथा व्यंग में लाभ होता है। इसके पश्चात युवान पीड़िका नाशक लेप बताए हैं तीन। पहला है लोद्र धनिया वचा को जल में पीस कर लेप करने से युवान पीड़िका रोग नष्ट हो जाता है। दूसरा है कृष्ण मरीच एवं गुरोचन का लेप युवान पीड़िका नष्ट कर मुख की कांति बढ़ाता है। तीसरा है श्वेत शरशप वचा लोद्र एवं सैंधव को जल में पीस कर लेप करने से युवान पीड़िका रोग नष्ट होता है। चौथा है वट वृक्ष के पीले पत्र, जाति पत्र, रक्तचंदन, कुष्ठ, काल्य के एवं लोद्र को जल के साथ पीस कर मुखालेप करने से युवान पीड़िका व्यंग और नीलिका रोग नष्ट होता है। इसके पश्चात बताएं नेत्र रोगहर लेप। पहला है हरित की सैंधव, गैरिक एवं रसांजन को जल में पीस कर विडालक यानी नेत्र पर लेप करने से नेत्र अभिषंध आदि समस्त नेत्र रोग नष्ट हो जाते हैं। इसका वर्णन शारंगधर उत्तरखंड अध्याय 11 में मिलता है। फिर है अंजनामिका हरलेप। रसांजन एवं त्रिकटू को समान मात्रा में लेकर पीस कर गोलियां बना लें। इस गोली को जल में पीस कर लेप करने से कंडो एवं पाक युक्त अंजनामिका रोग नष्ट होता है। तो इस तरीके से हमने पूरा मुखलेप का एक सेशन कंप्लीट किया है। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी।
आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई डिजिटल सेशन. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ मैंशन इन द कॉमेंट बॉक्स. आई विल रिजॉल्व इट सून. थैंक यू सो मच.